आज हम बात करेंगे फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर के बारे में। ये एक तरह का डीएनए डैमेज है जिसमें यूज होता है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि डीएनए में अगर कोई भी डैमेज आ जाए तो म्यूटेशन का चांसेस बढ़ जाता है, और म्यूटेशन हेरिडिटरी है हम जानते हैं। तो अगर किसी भी डीएनए में, स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की, तो मान लीजिए ये प्रोकैरियोट का डीएनए है, उसमें यूवी आ गया, यूवी का एक्सपोजर हुआ, तो क्या बनेगा, यूवी की वजह से यहाँ पे टीटी डाइमर बन जाएंगे, यानी कि प्यूरिन डाइमर बन जाएंगे, सॉरी पिरिमिडिन। इसके एक्सपोजर से, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में आ गया, स्पेशली ब्लू लाइट, तो इसका जो एंजाइम है, एक एंजाइम है इसके पास जिसका नाम है फोटोलाइज, जो कि एक फ्लेवोप्रोटीन है। ये नॉर्मली लाइट डिपेंडेंट है, लेकिन जब लाइट नहीं होती है तब ये इसके अंदर बाइंड हो जाता है, और जब लाइट आने के बाद ये उसको क्लियर कर देता है। ऐसे यहां पे ये मिसमैच रिपेयर हुआ था, वो सॉल्व हो जाएगा एटी में। ये कैसी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये मोस्ट प्रोकैरियोट में आम बात है, क्योंकि सभी यहाँ पे यूवी पे एक्सपोजर में रहते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना कि अगर किसी भी डीएनए में यूवी का एक्सपोजर हुआ कम मात्रा में, तो वो फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी फोटो रिएक्टिवेशन में फोटोलाइज को एक्टिव करेगा, जो लाइट डिपेंडेंट है। जब लाइट नहीं होगी तो वो इस डायमंड के साथ बाइंड हो जाएगा, लेकिन जब लाइट आएगी तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा और टी डायमंड को कट करके यहाँ पे उसका जो रिपेयर है वो कर देगा और जैसा था वैसा बना देगा। तो ये था फोटो रिएक्टिवेशन यूवी इंड्यूस। थैंक यू।